नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। खुदाई के दौरान मिले हजारों साल पुराने रहस्यमय जीव देखकर वैज्ञानिकों के भी उड़े होश। ये पूरी धरती रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। आए दिन वैज्ञानिकों को यहाँ कई रहस्यमय चीजें मिलती हैं, जो वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी खोज की, जी हाँ, दुनिया के सबसे ठंडी कही जाने वाली जगह अंटार्कटिका की। दरअसल कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका में एक रहस्यमय झील देखी थी। जब वहां पर उन्होंने खुदाई शुरू की तो कई राज निकले। वैज्ञानिकों ने करीब 3500 फीट नीचे तक खुदाई की। इस दौरान उन्हें बर्फ के नीचे हजारों साल पुराने जीवों के जीवाश्म मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीव ऐसे हैं जो हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं, उन्हें केवल लोग किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जीवों के नाम क्रस्टेशियन और टार्डिग्रेड हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ये जीव एक तरह के पानी में रहने वाले भालू थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से डेविड हार्वुड के मुताबिक, हमें यहाँ पर इस तरह के जानवर मिलेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारी टीम हैरान है कि आखिर ये जीव यहाँ आए कहाँ से। दरअसल अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, ऐसे में यहाँ जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन इस तरह के जीवों के अवशेष मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ जीवन मौजूद था। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10,000 साल पहले, 1,20,000 साल पहले अंटार्कटिका में गर्मी हुआ करती थी। तब ये जीव यहाँ पहाड़ी इलाके से लगे तालाबों के किनारे रहा करते होंगे और फिर यहाँ आ पहुँचे। लेकिन जब धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली गई तो ये जीव उस भीषण ठंड को बर्दाश्त न कर पाए और यहीं पर उनकी मौत हो गई। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।